कैप्टन अमरिंदर सिंह दी दिल्ली परेड जारी। मंगलवार नूं 3.5 घंटे कमेटी सामने होए पेश। चोण वादे छेती पूरे करन दी मिली सलाह। गांधी परिवार चों किसे नाल भी अजे कैप्टन दी नहीं हुई मुलाकात। राहुल गांधी ने सांभी पंजाब संकट दी कमान। मंत्रियों ते विधायकों नाल कीती मीटिंग। प्रगट सिंह बोले, मुद्दे छेती सुलझाउण दी कीती है मंग। अश्विनी सेखनी ने कहा, पंजाब कांग्रेस दी तड़ेबंदी करके चिंतित है हाईकमान। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो SIT ने 2.5 घंटे की पुछगिछ। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन दे SIT शामिल होने ते अकाली दल ने जताया एतराज। टीम ते सियासी दबा दे चुके सवाल। हाई कोर्ट दे आदेशा ते जयपाल भुल्लर दी लाश दा मुड़ तो PGI चंडीगढ़ छोया पोस्टमार्टम। बुधवार नूं होएगा संस्कार। 9 जून कोलकाता छोया सी एनकाउंटर। पंजाब पुलिस ते परिवार ने लाए ने तशद्दुद टाउन दे इल्जाम। SSP बटाला रिशपाल सिंह ते 9 लाख रुपए की रिश्वत लैण दे इल्जाम। अनवर मसीह दे पुत्र ने लाए इल्जाम। 2020 च अनवर मसीह दे घरों फड़ी गई सी 197 किलो हैरोइन। SSP ने खुद ते लगे इल्जामां नूं दस्सिया बेबुनियाद। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो SIT ने सवाल जवाब किए ने। SIT कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही है। अकाली दल ने जांच टीम उत्ते सवाल चुके ने। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने इल्जाम लाया कि इंसाफ देने की बजाय कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है। कोटकपुरा गोलीकांड की जांच लिए बनाई गई SIT ने करीब 2.5 घंटे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो पुछगिछ की। जांच टीम के मैंबर 10:35 से MLA फ्लैट पहुंचे। 12:55 से जांच टीम के मैंबर MLA फ्लैट चो बाहर आए। करीब 2.5 घंटे की लंबी गलबात बाद SIT मैंबर चले गए। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो SIT की पुछगिछ मगरों श्रोमणी अकाली दल ने जांच टीम उत्ते सवाल चुके ने। बेसिकली की है कि जी पहले नालों जो पहले भी कांग्रेस ने पॉलिटिक्स खेडी तो हूँ भी पॉलिटिक्स निशाना कांग्रेस का दोषी फड़ना नहीं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स करना है। असी 4.5 साल कहते रहे कंवर विजय प्रताप तो कैप्टन रल के पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो कैप इन्हें पॉलिटिक्स इन्हें छड़ के अपने पॉलिटिक्स करनी है जो असी कहते सही होया। हुण भी मैं बेनती करना है जांच कमेटी नूं, हुण भी जिहड़ा जांच कमेटी है इहदे दफ्तर कित्थे विजिलेंस है? परतिंदर चहल ते अपना जिहड़ा उपल साहब जिहड़े विजिलेंस दे है उहनां दी कमांड थल्ले चल रही है आ सारी गेम। उहनां दे दफ्तर उहनां नूं जांच कमेटी दा बैठा। सो सारे लोग दे पंजाब ते दे दुनिया विच लोग इंसाफ चाहुंदे है, आ इंसाफ ते देण दे बजाय पॉलिटिक्स खेड रहे। अकाली दल का कहना है कि एक अनधिकारित अधिकारी पुछगिछ लई किवें आ गया, तीजे मैंबर की थां कोई होर अधिकारी पुछगिछ लई किवें आ सकता है। जदों के इस सिट विच बनाए मैंबरां नूं रातों रात प्रमोशनां दित्तियां गईयां और इस सिट दे विच अज इनवैस्टिगेशन करन आए सा प्रकाश सिंह बादल दे केस सामने एक रिटायर्ड जिहड़ा डायरैक्टर प्रोसीक्यूशन दे तौर ते विजय सिंगला जिहड़ा है उहनूं लियांदा गया जदों के ओह किसे तरह कानूनी तौर ते ना इनवैसटीगेशन कर सकता सी, ना इनवैसटीगेशन करन दा अधिकार सी, ना ही हाई कोर्ट साहब दे दित्ते फैसले मुताबक कोई चौथा बंदा इनवैसटीगेशन भी शामिल हो सकता सी टीम दे विच। पर इस तरह दे अपने जिवें एक तौर तरीका है कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कुछ इस तरह दे लोग ने जिन्हां विच मैं कह सकदा परतिंदर चहल वर्गे लोग जिहड़े हमेशा राजनीतिक शक्ति नूं अपने राजसी निजी मनोरथां लई वरतदे ने।
अकाली दल का इल्जाम है कि सब सियासत तो प्रेरित तो हो रहा है, मुद्दे उत्ते सियासी रोटियां सेकियां जा रही ने। यह सिर्फ कोटकपूरा की फायरिंग वाली सिट है, यदा बहबल कला नाल भी कोई तलक नहीं, ना गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी नाल कोई तलक है। तो कोटकपूरे वाला केस की है, एक बंदे दे पट च गोली वजी, 307 का केस है, 302 का मर्डर केस भी नहीं। उस केस विच जद सिट ने सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं समन किया तो बादल साहब ने अपनी सेहत ना ठीक होने के बावजूद भी उन्होंने आल कोपरेट कर जो अकाली दल की कमिटमेंट है कि असी वी बिलीव इन जस्ट लॉ ऑफ जस्टिस ओदे लिए कोपरेट किया। हुण गल आ जाती है कि इस सिट पहली सिट नूं क्वैश किया गया, जब पहली सिट बनी श्रोमणी अकाली दल ने मेरे ख्याल 10-12 प्रेस पीसीज कीतियां, तो असी पहले दिन तो कहा सीगा कि कंवर विजय प्रताप आ जिहड़ा उस सिट का ओवर एक्टिव मैंबर वह पोलीटिकल एजेंडा ले बैठा है, तो वह साडी गल सच होगी ना। पहला तो मानयोग हाई कोर्ट ने मोहर लाती कि उहदी सारी इनवैसटीगेशन पोलीटिकल बेस्ड ते बायस्ड है ते मैलिशियस है, तो कल उन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। सो साडा वो दोष कि ये सारे मसले विच भावें वह गोली का होवे भावें गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी का होवे, कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी अपनियां राजसी रोटियां सेकदी है, वह साबित होगी। हुण दूसरी गल, इस गल लई ये एविडेंस आया होया हाई कोर्ट की जजमेंट च क्लीयरली मैनशनड है, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि कोटकपूरा की फायरिंग उत्थों के उस वेले के एस डी एम के ऑर्डर तो बाद हुई। ऑर्डर लई रिपोर्ट एस एच ओ कोटकपूरा ने की 3 बारी की, हैंड रिटन रिपोर्ट है। पहली बार एस डी एम ने पानी मान कहा, फिर लाठीचार्ज नूं कहा, फिर गोली नूं कहा, उसके बावजूद भी पोलीटिकल एजेंडा कितों निकलता है कि जिहड़ी फायरिंग जिन्हें एक बंदे नूं जख्मी किया, 307 का केस रजिस्टर होया, वो एस डी एम के ऑर्डर तो बाद हुण तो बाद जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नूं तुसीं उस तब्दील च शामिल करते हो तो यह तो साबित नहीं हो गया कि यह पोलीटिकल है। अकाली दल का कहना है कि हुण तक दियां जांच टीम कैप्टन सरकार ने सिर्फ सियासी खेड खेडण लई बनाईआं, इल्जाम है कि मकसद सिर्फ अकाली दल नूं बदनाम करन दा है। जिस तरह हुण तक सिट बनाईआं जांदीआं रहीआं उह सिटां दे पिछे की राजसी मनसूबे सी, की राजसी रोटियां सेकण लई राजसी विरोधियां नूं बदनाम करन दे मनसूबे सी, उह माणयोग हाई कोर्ट के जज साहब ने पिछे अपना फैसला सुनाउंदे जो वर्डिक्ट दित्ती आ उन्हें वो सच सामने लिआंदा। इस तो पहला 16 जून नूं विशेष जांच टीम ने साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं पुछगिछ लई तलब किया सी, पर सेहत कारण करके साबका सीएम पेश नहीं हो सके सी। अखीर हुण एसआईटी ने सवाल जवाब किए ने, एडीजीपी एलके यादव एसआईटी दे मुखी ने, जिन्हां दी अगवाई वाली जांच टीम ने प्रकाश सिंह बादल तो पुछगिछ की। 3 मैंबरी जांच टीम विच एडीजीपी एलके यादव, लुधियाना पुलिस दे कमिश्नर राकेश अग्रवाल अते फरीदकोट रेंज दे डीआईजी सुरजीत सिंह शामिल ने। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट नूं रद्द किए जाण बाद पंजाब सरकार वालों एडीजीपी एलके यादव की अगवाई विच नवीं एसआईटी का गठन किया गया सी। अकाली दल का कहना है कि वह भी चाहते हैं कि मुलजमान नूं सज़ा मिले, बस मुद्दे उत्ते सियासत ना होवे। जे श्रोमणी अकाली दल दी इच्छा, श्रोमणी अकाली दल सुहिरद है, श्रोमणी अकाली दल गंभीर है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करने वाले दोषी जड़े ने उन्हां दी पहचान की जाए, उन्होंने सख्त तो सख्त सजावां दित्तियां जाण, और किसी तरह की राजनीति करके राजसी रोटियां राजसी मनोरथ लई जे सेकियां जाणगियां तां उहदा कुदरती तौर पर विरोध भी होएगा। इस तो पहला साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कुंवर विजय प्रताप के मैंबर वाली एसआईटी अगे पेश हो चुके ने। मैं नहीं के कोई हुण इंसाफ हो चुका जां हुण कोई होर गल नहीं होगी, होना तो वह जो अमरिंदर ने कहना। मैनू देखो ना तो जेल का डर है, अज देखो भावे एक क्वेश्चन ये राइज नहीं करते इस सिलसिले ना मैं कहना चाहना, अज पंजाब च सीधी दो तरह की लड़ाई हो गई है,
श्रोमणी अकाली दल है जिहड़ा अमन पसंद ते शांति ते पूरे वास्ते कुर्बानी है। साढ़े सानू मारन वास्ते भी लोग लगे है, सारे लोगों नू पता है। ते कांग्रेस वाले ते मिलके मैं उन्होंने भी आख्या भी खेड खेड रहे है, तुसी इस खेड ते ना अगे थोड़ा भी नुकसान होया, कांग्रेसियां दा भी होया, साडा भी होया। ये खेड खेडते खेडते कितने असी पंजाब नू ना गवा बैठे। ये भी मैं उन्होंने कहा कि तुसी बजो सारे ताकि आप पंजाब नू अमन शांति भाईचारे सांझ इत्थे कायम करो। हाँ, एक ये देखो जी गल तो यह कोई नवी हो, सीएम ने पहला भी ये स्टेटमेंट देती है और सारे आखी जाते असं बादलों नू ऐ करना अंदर दे दिन दे दिन, मैनू की फर्क पैंदा। मैं तो सीएम आता जिहड़ी जेल चख रहा मैं उत्थे अखी जांदा रहना जिहड़ा पिया। ये तो एवं गल्लां ना, चलो कोई गल नहीं, समझ नहीं आउंदी। पुरानी एसआईटी ने मई 2019 नूं फरीदकोट अदालत च चार्जशीट फाइल कीती सी। अप्रैल 2021 च हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट नूं खारिज कर दिता सी। कोर्ट ने नवी एसआईटी बनाउण दे आदेश दिते सन। 7 मई 2021 नूं एडीजीपी एलके यादव की अगवाई हेठ एसआईटी का गठन होया। जांच टीम ने सबका डीजीपी अते 5 होर आईपीएस अधिकारियों तो पुछ पड़ताल मुकम्मल करके हुण प्रकाश सिंह बादल तो पुछगिछ की है। अजे च सुभाविक है आने वाले दिनों च सियासी पारा होर चढ़ेगा। फिलहाल हुण समां एक ब्रेक दा, ते ब्रेक तो बाद बहबल कलां गोलीकांड अते बेअदबी मामलों विच बनी एसआईटी दी गल करांगे। बहबल कलां गोलीकांड अते बेअदबी मामलों विच दो एसआईटी बनियां होईयां ने। एक एसआईटी बहबल कलां गोलीकांड मामले दी जांच कर रही है। दो नौजवानों दी मौत हुई सी। एक एसआईटी बेअदबी मामलों दी जांच कर रही है। विस्थार दे विच दोवां एसआईटी दे बारे जानते हैं। एडीजीपी एलके यादव की अगवाई वाली एसआईटी कोटकपूरा गोलीकांड की पड़ताल कर रही है। इस तों इलावा पंजाब सरकार वालों बहबल कलां गोलीकांड लई भी एसआईटी का गठन किया होया है। आईजी नौनिहाल सिंह की अगवाई विच एसआईटी बनाई हुई है। आईजी लुधियाना नौनिहाल सिंह, एसएसपी मोहाली सतेंद्र सिंह, एसएसपी फरीदकोट स्वर्णदीप सिंह शामिल ने। इस तों इलावा बुरज जवाहर सिंह वाला विचों गुरु ग्रंथ साहब की चोरी पोस्टर लिखे गए और बरगाड़ी विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी केसा विच भी एक एसआईटी जांच कर रही है। पंजाब सरकार वालों बॉर्डर रेंज के आईजी एसपीएस परमार की अगवाई हेठ एसआईटी का गठन किया होया है। इस जांच टीम दे विच एसपीएस परमार, आईजी बॉर्डर रेंज, एआईजी राजेंद्र सिंह सोहल, डीएसपी लखबीर सिंह, इंस्पेक्टर दलबीर सिंह शामिल ने। 1 जून 2015 नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप कोटकपुरा दे पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला तो लापता होए सन। 12 अक्टूबर 2015 नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बेअदबी कीते अंग बरगाड़ी पिंड विचों मिले सी। 14 अक्टूबर 2015 नूं बेअदबी दे दोषियों की गिरफ्तारी नूं लैके कोटकपुरा च सिख भाईचारे ने प्रदर्शन किया। 14 अक्टूबर 2015 नूं ही बहबल कलां च सिखां ते पुलिस च झड़प हुई सी। पुलिस ने बेअदबी घटनावां ते इंसाफ मंग रहे सिखां ते अचानक गोली चला दित्ती सी। इस गोलीबारी विच दो सिख नौजवानों की मौत हो गई सी। एडीजीपी प्रबोध कुमार की अगवाई वाली एसआईटी ने सूबे के सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो 16 नवंबर 2018 नूं पुछगिछ कीती सी। प्रकाश सिंह बादल तो पुछगिछ मगरों 19 नवंबर 2018 नूं सूबे के सबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल तो भी पुछगिछ हुई सी। हुण जिवें जिवें विधानसभा चोणां नेड़े आ रहियां ने, तां बेअदबी दीआं घटनावां अते कोटकपुरा गोलीकांड का मामला
होर ज़्यादा भखन की संभावना है। सिखां ते विरोधी पार्टियां वालों बेअदबी मामले लई जिम्मेवार राजसी आगूआं अते पुलिस अधिकारियों नूं फड़ के जेल च डकण की मंग लगातार जोर फड़दी जा रही है। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ। ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ। अक्तूबर 2015 च बरगाड़ी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई, विरोध प्रदर्शन होए, पुलिस फायरिंग च दो नौजवानों दियां जानां चलिया गई। इस केस ने उस वेले की बादल सरकार नूं हिला के रख दिता। दोषियों नूं फड़न का दबाव पिया ते स्पैशल इनवैसटीगेशन टीम का गठन किया गया। ADGP इकबालप्रीत सिंह सहोता की अगवाई वाली SIT उस वेले दे ADGP सहोता की SIT ने दो नौजवानों गिरफ़्तार किया अते दावा किया कि बेअदबी के तार विदेशों नाल जुड़े ने, पर निकलिया कुछ ना। सहोता टीम की SIT जांच ते फुल स्टॉप लग गया। बेअदबी दीआं घटनावां दे एक महीने बाद जांच CBI कोल आई। 5 नवंबर 2015 नूं केस CBI नूं मिलिया। CBI ने 3 FIR दर्ज कीतियां। गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप गायब होण दा केस, डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम दे बरगाड़ी ते बुरज जवार सिंह वाला च लगे पोस्टर दा केस, गुरु ग्रंथ साहिब दे पाड़े गए अंग दा केस, 4 साल जांच चली। बरगाड़ी ते बुरज जवार सिंह वाला बेअदबी मामले च CBI दी जांच विच महेंद्रपाल सिंह बिट्टू, सुखजिंदर सिंह, शक्ति सिंह बेगुनाह साबित होए। CBI नूं इन्हां खिलाफ़ ना कोई सबूत मिलिया, केस अनसुलझे रह गए। मोहाली अदालत च दाखिल कीती क्लोजर रिपोर्ट च CBI ने पक्ष रखे के हर पहलू की जांच कीती, पर केस के अंजाम तक पहुँचने लई कोई सबूत ते गवाह नहीं मिलिया। पंजाब सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन करके 6 सितंबर 2018 नूं यह केस होर अगे चलाउण तों सहमति वापस लै ली सी। महेंद्रपाल सिंह बिट्टू, सुखजिंदर सिंह ते शक्ति सिंह की शमूलीयत कितें भी नज़र नहीं आई, ना ही कोई सबूत मिलिया। हालांकि CBI ने नवी टीम बनाई, कुछ पहलुआं ते मुड़ जांच शुरू की। बेअदबी केस CBI नूं देण तों बाद पंजाब सरकार ने एक होर SIT बनाई। लुधियाणा रेंज के DIG रणबीर सिंह खट्टड़ा की अगवाई च SIT 3 नवंबर 2015 नूं SIT का गठन होया। फरीदकोट नेड़े गुरुसर ते मलके पिंड च हुई बेअदबी की जांच खट्टड़ा की SIT ने की। इस SIT ने ही डेरा प्रेमियों नाल बेअदबियों के तार जोड़े सन। 2011 च मोगा च लोगों नूं उकसाउण दे केस च महेंद्रपाल बिट्टू की गिरफ्तारी हुई। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर तो बिट्टू नूं पुलिस ने 8 जून 2018 नूं काबू किया। SIT ने दावा किया बरगाड़ी बेअदबी केस बिट्टू, शक्ति ते सन्नी साजिशकर्ता ने। बिट्टू के कहने ते रणदीप बुरज जवार सिंह वाला गया ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ चुकी। रणदीप जिस कार च गया उसका नंबर भी बिट्टू ने दसिया। बिट्टू ते गुरमीत राम दे पोस्टर लगाउण दा इल्जाम भी लग्या। SIT मुताबक बिट्टू ने सारे इल्जाम कबूले। चाहे SIT ने दावा किया सी केस सुलझा लिया ते दोषी फड़ ले ने, पर खट्टड़ा ने पूरी रिपोर्ट CBI नूं दे दिती, क्योंकि तार उस केस नाल जुड़े जिस दी जांच CBI कर रही सी। हालांकि CBI ने इस पूरी जांच ते कांटा फेर दिता। डेरा प्रेमी बिट्टू दा नाभा जेल च जून 2019 च कतल हो गया ते उस तो बाद CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट च खट्टड़ा की जांच विच मुलजम बनाए गए सारे तिना लोगों बेगुनाह साबित कर दिता।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीजी SIT बनाई। ये कैप्टन राज पहली SIT सी। इस दे एक मैंबर काफ़ी विवादित रहे कुंवर विजय प्रताप सिंह। हालांकि SIT की अगुवाई DGP प्रबोध कुमार ने की थी। वैसे तो SIT गोलीकांड मामले की जांच लिए बनाई गई, पर SIT के अधिकारी खुद मानते हैं फायरिंग ते बेअदबी के केस आपस जुड़े हुए ने। अगस्त 2018 च पंजाब विधानसभा च एक मता पास होया ते फैसला लिया गया कि बैबल कलां गोलीकांड ते कोटकपूरा फायरिंग केसां दी जांच CBI कोलों वापस ली जाती है ते जांच लई कैप्टन सरकार ने नवीं 5 मैंबरी सैट बनाई। DGP प्रबोध कुमार, SIT मुखी अरुणपाल सिंह, SIT मैंबर कुंवर विजय प्रताप सिंह, SIT मैंबर सतेंद्रपाल सिंह, SIT मैंबर भुपिंदर सिंह, SIT मैंबर। इस SIT के सब तो चर्चित अफसर कुंवर विजय प्रताप सिंह ने 27 मई 2019 फरीदकोट अदालत चार्जशीट फाइल की थी। बेअदबी दीयां घटनावां सोची समझी साजिश सी। तत्काली डिप्टी CM ते गृहमंत्री सुखबीर बादल, तत्काली DGP सुमेत सैनी, डेरा सिरसा दे मुखी, बेअदबी दीयां घटनावां नूं उस वेले दे इंटैलीजेंस मुखी हरदीप ढिल्लों की बदली नाल भी जोड़िया। दावा किया ट्रांसफर एक सोची समझी साजिश तहत हुई। 10 अक्टूबर 2015 ADGP इंटैलीजेंस के अहुदे तो काबिल अफसर बदल दिता गया। काफ़ी जूनियर RK जायसवाल इंटैलीजेंस की जिम्मेवारी सौंप दी गई। ADGP DGP रैंक के 3 अधिकारी मौजूद सन, पर ADGP इंटैलीजेंस लिए सब नज़रअंदाज किया गया। RK जायसवाल चुनिया गया तो कहा कि वह सुमेध सैनी रिपोर्ट करेंगे। कैप्टन की बनाई SIT ने यह भी कहा कि ट्रांसफर तो बेअदबी का सीधा कनैक्शन से, पर कैप्टन की इस SIT से भी सवाल हो गए जो SIT के मैंबर ने चार्जशीट तो ना खिंच ली। तो DGP दिनकर गुप्ता ने चिट्ठी लिखी और कहा उन्हों का चार्जशीट न कोई लेना देना नहीं, तो कुंवर ने कोई गलबात नहीं की। अखीर कुंवर विजय प्रताप की जांच रिपोर्ट को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस मगरों कुंवर विजय प्रताप भी इच्छा मुक्ति नाल सेवा मुक्त हो गए। इत बस ने जोरा सिंह ते रंजीत सिंह भी कमिशन बने सन। फिलहाल दे लई इना ही देश दुनिया दीआं तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो ABP साझा।